मैं मेरे की जेवरी गले बंधियो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे चाके राम नाम आधार। सारा संसार मैं और मेरे की रस्सी में इस प्रकार उलझा हुआ है कि वो इससे ऊपर निकल ही नहीं पाता, वो देह के बंधन से मुक्त ही नहीं हो पाता। ये शरीर और इस शरीर से जुड़ी सारी वस्तुएं, वस्त्र, घर, मकान, धन दौलत, रिश्ते नाते, आखिरकार मनुष्य को ऐसे जकड़ लेते हैं जैसे रस्सी में कोई पशु जकड़ा हो। इस प्रकार जकड़ा हुआ मनुष्य किसी पशु से कम नहीं, फिर उस पशु में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा, दोनों तो बंधन में ही हैं। लेकिन जो इस रस्सी को बट करके श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बांध देते हैं, इसकी डोर श्री कृष्ण के हाथों पकड़ा देते हैं, तो फिर वो उससे मुक्त ही माने जाते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत हैं जहां प्रभु के भक्त अपने समस्त कर्मों को प्रभु के अर्पण करके आनंद पूर्वक जीते हैं और जीवन में आने वाले संकटों से अनायास ही मुक्त हो जाते हैं। फिर वो भक्त ज्ञानी हो या फिर अज्ञानी, भगवान उसको संभाल लेते हैं। ऐसी ही एक घटना है जब श्री बाबा वाराणसी में दर्शन देते थे। श्री देवरा बाबा सरकार का मचान बनारस में गंगा जी के मध्य में लगता था। मणिकांत त्रिपाठी पटना से बाबा के दर्शनों के लिए बनारस गंगा जी के तट पर गए। नाव में बैठे और नाव बाबा के मचान के पास जा लगी। वहां पर भक्तों को नाव में बैठे बैठे ही बाबा से आशीर्वाद लेना होता था। आसपास बह रही सुंदर हवा भक्तों का मन ध्यान मग्न कर देती थी और सामने मचान पर बैठे ब्रह्मनिष्ठ महायोगी ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा सबके कष्टों को सिर्फ दर्शन मात्र से ही हर लेते हों। छपरा से एक नवयुवक भी उनके साथ बाबा के दर्शन करने आया। वो अधिक ज्ञानी नहीं था, लेकिन उसने बाबा के बारे में सुन रखा था कि बाबा एक बहुत ऊंचे संत हैं जिनके पास आने से मनुष्य के सारे रोग, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान बाबा ना कर सकें। इसी आशा से वो मणिकांत त्रिपाठी जी के साथ बाबा के दर्शनों के लिए गया। उसने श्री बाबा से करबद्ध प्रार्थना की, बाबा मेरी बहन की शादी है, जुलाई महीने में हो रही है, बाबा आप ऐसी कृपा करें कि वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए, क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि बहुत सारे लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं और बाबा हमें पता नहीं क्या होगा, अपा हमारी लाज आपके ही हाथ में है। बाबा बोले, ठीक है बच्चा, दया है, जाओ सब कुछ अच्छे से होगा। बाबा ने प्रसाद दिलवाया, मंत्र बुलवाया और आज्ञा की, कहा बच्चा सारे काम भगवान को स्मरण करने से ही पूर्ण होते हैं, जाओ बच्चा विष्णु का स्मरण कर, सब कुछ अच्छा होगा, मैं आशीर्वाद करता हूँ। जब युवक चलने को हुआ उसने डर के कारण, क्योंकि हृदय में डर तो छोड़ता ही नहीं है, इसीलिए उसने फिर से बाबा से प्रार्थना की कि बाबा के पास तो अनेकों भक्त हैं, कहीं भूल ना जाएं। बाबा मेरी प्रार्थना भूलना मत, बाबा कृपा करना। बाबा ने कहा, बच्चा घबराओ नहीं, हम हैं ना, जा बच्चा, असीम दया है, असीम दया है। बाबा का ये असीम आशीर्वाद लेकर वो बालक अपने घर आ गया। विवाह का समय आया और विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया। जो आशंका थी वो व्यवधान किसी ने नहीं किया, सारा शांति पूर्वक बड़े प्रेम से हो गया। ये बात तो थी भौतिक, लेकिन एक प्राकृतिक संकट भी उस विवाह में आ गया। बात ये थी कि गांव में जब भी बारात आती थी तो गांव के बाहर बगीचे में ही उस पूरी बारात को रोकने की व्यवस्था की जाती। विवाह के दिन भीषण आंधी तूफान आया, क्योंकि जुलाई में अक्सर कर आंधियां आती रहती हैं। बारात ठहराने को जगह गांव के बाहर बगीचे में ही चुनी गई।
नवयुवक के गांव के पास 6-7 बगीचों के अधिकांश पेड़ जड़ से उखड़ कर नीचे गिर पड़े। बड़ी हानि हुई, लेकिन जहां पर जिस बगीचे में वो बारात रुकी थी वहां एक भी पेड़ जड़ से नहीं उखड़ा। श्री बाबा का आशीर्वाद अपने भक्त के हर संकट को दूर करता है। आश्चर्य की बात है कि सारे बगीचों के पेड़ अधिकांश पेड़ जड़ से उखड़ गए। बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जहां पर उस लड़के की बहन की बारात आई वहां एक भी पेड़ नहीं गिरा। जहां बारात ठहरी वहां पूरी शांति बराबर थी। उसको बाबा का वो आशीर्वाद याद आया, बच्चा मैं हूं ना, तू जा। उसने बाबा को श्रद्धान्वित होकर प्रणाम किया। श्री बाबा की सहज कृपा की वर्षा ऐसे भक्तों पर सदा होती है जिनके हृदय निश्चल, जिनके प्रेम और जिनकी भक्ति ईश्वर के प्रति सदा रहती है। ईश्वर उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे भक्त आप भी बनिए। अपने मन मंदिर में बाबा को बसाइए। सदा श्री हरि के चरणों का स्मरण करिए। उठते बैठते सोते जागते सदा बोलने का अभ्यास करिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम।